राम राम जी। बाबा रामदास चैनल बाबा की खरी खोटी। आज पंजाब में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि पंजाब प्रदेश के, पंजाब सरकार के दो तीन अधिकारी किसानों को ये समझाने गए थे कि भैया पराली मत जलाओ, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब हो गया है। आज के अखबारों में भी मोटी मोटी हेडलाइंस छपी है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है। AQI जो है वो 400, 500, 700, कुछ लोग तो पता नहीं बता रहे थे कि 999 कहां हो गया है। अब ये पता नहीं मुझे, वैसे दिल्ली का मैंने आज डिफरेंट लोकेशंस का AQI चेक किया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मतलब हवा जो जिसमें हम सांस लेते हैं उस हवा की क्वालिटी कहती है, तो 400, 450, 500 थी। और इस हमारे देश का जो क्लीनेस्ट प्लेस है उसमें मैंने सुना है AQI जो है 9 है, मतलब इतनी शुद्ध हवा भी है कुछ एरिया में, परंतु पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर शहरों में जो है AQI 400 से ऊपर चल रहा है, विच इज हैजर्डस, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, आज मैंने एक और मुझे ताज्जुब हुआ कि हरियाणा का जो सबसे प्रदूषित जिला है, वो स्थान है, वो सिरसा है। मैंने कहा भैया सिरसा में ऐसा क्या प्रदूषण हो गया है कि हरियाणा का सबसे प्रदूषित इलाका है। हिसार में भी इसी तरह AQI बहुत पुअर है। कहता तो हमारे सरजी जो हैं, जब से दिल्ली के CM बने हैं तो इनके ऊपर एक जिम्मेवारी आ गई है कि भाई दिल्ली की हवा की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। तो दिल्ली सरजी जो है 2 साल पहले तक सारा जो दोष है वो पंजाब के माथे मर दिया करते थे, क्या पंजाब वाले पराली जलाते हैं, हरियाणा वाले पराली जलाते हैं, इससे दिल्ली में प्रदूषण होता है। अच्छा, पराली जलाते हैं बिल्कुल 100% बात सच है। मैं तो पिछले पंजाब में पिछले 15-20 सालों से रह रहा हूं और मैंने खुद अपनी आंख से लोगों को पराली जलाते देखा है। और जब पराली जलती है, एक बार हम लोग पटियाला से इधर आ रहे थे सरहिंद की तरफ, तो रास्ते में किसान भाइयों ने, नो फार्मर नो फूड वालों ने जो है पराली जला दी और इतना भयानक धुआं था रोड पर कि रोड पर कुछ एक तो दिखाई देना बंद हो गया, तो तुरंत हमको गाड़ी रोकनी पड़ी और हम उस धुएं में बहुत बुरी तरह फंस गए और वहां पे छोटा सा एक जाम लग गया। अब वो गाड़ी चली कैसे रोड पे, इतना भयंकर धुआं था। अच्छा, जब मैं पहली बार पंजाब में आया था और जब मैंने पराली जलती देखी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था। मैंने कहा यार बड़े मूर्ख लोग हैं, पराली जलाते हैं यहां, क्यों जलाते हैं भाई, जबकि पराली तो एक बहुत बड़ा एसेट था। वो बहुत हमारे यूपी में तो अगर आप किसी किसान से एक पुली इतनी सी होती है, एक पुली, आप पराली मांग के दिखा दो, वो ऐसे करके देखेगा कि अच्छा क्यों दे दूं भाई मैं तुझे। आपस में जब चारा कम हो जाता है ना, भूसा जब खत्म हो जाता है, तो किसान एक दूसरे से भाई चलो मुझे थोड़ी सी दे दो, जब मेरे यहाँ होगी तो तुम ले लेना, या मेरे यहाँ जब भूसा हो जाएगा तो मैं तुमको वापस कर दूंगा, नहीं तो पराली तो बिकती है। बंगाल में इसे बिचाली बोला जाता है, बिचाली। अब मेरे ताऊजी थे, वो बहुत पहले, आज से करीब 50 साल पहले, कलकत्ता में उनकी डेयरी फार्म था एक फॉरशोर रोड पे, तो वहां पे फॉरशोर रोड पे उसके बगल में गंगा जी बहती थी और जो घाट था उसका नाम ही बिचाली घाट था। तो हमें पता नहीं था कि ये बिचाली क्या होता है। तो फिर मैं एक बार गया था उनके पास, तो उन्होंने बोला कि ये जो पराली जिसको हमारे यहाँ यूपी में उसको पोरा बोलते हैं, पुआल बोलते हैं, धान की जब खेती होती है तो ऊपर जो बाली होती है वो झाड़ ली जाती है, धान झड़ गया तो नीचे जो उसका झाड़ बच जाता है वह पुआल, पराली या पोरा या बंगाल में बिचाली होती है। तो बहुत महंगी बिकती है बंगाल में, तो क्यों, क्योंकि जितने पशु हैं। अच्छा, वहां चूंकि बंगाल में
गेहूं तो होता नहीं है, तो धान ही मुख्य फसल है, तो फॉडर के रूप में पराली बिकती है। और यूपी में अगर आप किसी के आगे ये बोल दो ना कि पराली बिक रही है, तो लोग ऐसे करके आपको देखेंगे कि अरे पराली भी, इतनी कीमती चीज कोई जला सकता है? प्रताप हरियाणा पंजाब में लोग जला रहे हैं। वो इसलिए जला रहे हैं क्योंकि इनके पास एक तो अब डेयरी फार्मिंग उतनी रही है, हर पहले जो हर आदमी के घर में बैल होते थे, गाय भैंस होती थी, तो बैल तो खत्म हो गए, इसलिए फॉडर की कंजम्पशन कम हो गई। अब ज्यादातर किसानों ने पशु भी कम कर दिए हैं, सिर्फ एक आध पशु रखते हैं जिससे उनका अपने घर का दूध का काम चल जाए। डेयरी फार्मिंग जो है वो सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग कर रहे हैं, इसलिए फॉडर की कमी नहीं है पंजाब में। और फॉडर जो है वो भूसे के रूप में हो जाता है, इसलिए पराली जला दी जाती है। ये है इसकी गणित। अच्छा, जलाते क्यों हैं भैया? चलो जलाओ मत, अगर उसको खेत में ही जोत दिया जाए तो ये तो सड़ जाएगा, बहुत जल्दी सड़ने वाली चीज होती है, और ये तो बहुत कीमती खाद बन जाएगी। परंतु वो जोतने का खर्चा जो है, पहले तो जब डीजल सस्ता था तब 600 रुपए प्रति एकड़ आता था, अगर आपका ट्रैक्टर अपना हो तो 600 रुपए का डीजल लगता है एक एकड़ खेत को, मैं रोटावेटर चला के पराली को मिट्टी में ही काट के मिला दिया जाए। तो अब शायद खर्चा डीजल महंगा हो गया तो 1000 रुपया प्रति एकड़ का खर्चा है, और किसान वो 1000 रुपया बचाने के लिए पराली जलाता है, और थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए। अच्छा, जब जलाता है तो पूरे इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसी कैसी कर दी, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बहुत भयावह स्थिति है भाई। अखबारों की मुख्य हेडलाइन अगर आ रही है तो आप सोच लीजिए कितनी भयावह स्थिति है। दिल्ली जो है विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उसका नाम आ गया है, इतना ज्यादा वायु प्रदूषण हो गया है। सलाह दी गई है कि लोग घर में रहें, अनावश्यक न निकले। जोगी बाबा ने उल्टे बयान, ऊपर से एक बयान दे दिया कि मैं जब हवाई जहाज से निकला तो मेरी आंखें जलने लग गई दिल्ली में। इधर पंजाब और हरियाणा के किसान पराली जला दे रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि अन्नदाता को कैसे मना कर दें कि बेटा मत जलाओ, भैया मत जलाओ, ताऊ मत जलाओ। अन्नदाता तो भैया होली का वो है ना, है अन्नदाता जो है प्रधानमंत्री का रास्ता घेर सकता है, प्रधानमंत्री को जो है इतने बड़े सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता है। तो वो, और पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है कि नहीं, हम तो किसान है, अन्नदाता उसको नहीं कुछ कह सकते, वो बेशक प्रधानमंत्री की जान खतरे में डाल दे, तो पराली क्या चीज है, जलाने दो। अब सबसे मजेदार, जो सबसे मजेदार आइटम आई है वो दिल्ली से आई है। जब तक पंजाब में नटवर लाल की सरकार नहीं थी, नटवर लाल की पार्टी की सरकार नहीं थी, तब तक वो सारा दोष पंजाब की पराली पे मढ़ देता था। तो अब नटवर लाल की एक मंत्री है जिसका नाम है आतिशी मार लेना, वो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इत्यादि लोग जब जेल चले गए तो उनके सारे विभाग आतिशी मार लेना के पास आ गए हैं। दिल्ली का ठग नटवरलाल तो अपने पास कोई विभाग रखता नहीं है, उसके तो किसी फाइल पे साइन नहीं होते, वो तो बिना विभाग का चीफ मिनिस्टर है। तो आतिशी मार लेना जी और वो एक है, वो का नाम कौन झा है, क्या नाम है उसका, गोपाल झा, ये दोनों आज से 3-4 दिन पहले ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो वो आम आदमी पार्टी जो कल तक सारा ठीकरा पंजाब की पराली जलाने पर प्रदूषण का फोड़ दिया करती थी कि आप दिल्ली में सांस इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पंजाब के लोग पराली जलाते हैं, पंजाब के किसान, वो कहते कि नहीं नहीं अभी हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि दिल्ली का प्रदूषण क्यों होता है, इसका डेटा ही नहीं हमारे पास। तो कल तक तुम क्यों पंजाब पंजाब चिल्लाती थी भाई, तुम्हारी पार्टी, कि सारा प्रदूषण पंजाब की पराली, पंजाब हरियाणा की पराली। बोले नहीं 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 हरियाणा पंजाब की पराली को हम तो ही दोष दे सकते, क्यों? क्योंकि अब इनकी अपनी सरकार है ना। तो देखिए सरकार कितनी सीरियस है समस्या के प्रति।
तो आतिशी मारलेना ने एक बहुत शानदार तर्क निकाला कि सर्दियों में डाटा से पता लगाया, रिसर्च से पता लगाया आतिशी मारलेना को, वाह भाई वाह, कि सर्दियों में जो गार्ड लोग रात में ड्यूटी करता है वो अंगीठी जलाता है। कॉलोनियों में गार्ड होता है ना, कॉलोनी के गेट पे, वो रात में अंगीठी जलाता है, वो अंगीठी के धुआं से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। अरे बाप बाप, कितनी बड़ी रिसर्च की है आतिशी मारलेना ने। तो गोपाल झा बगल में बैठे थे, बोला एक और रिसर्च हुई है कि सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता है, क्यों, आखिर सर्दियों में प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है? तो आम आदमी पार्टी ने इस पर बहुत बड़ी रिसर्च की है। जी हां, वो सर्दियों में प्रदूषण इसलिए बढ़ जाता है कि सर्दियों में मूली बहुत पैदा होती है, मूली होती है ना, तो सर्दियों में मूली बहुत खाते हैं लोग, और मूली खा के जो गैस छोड़ते हैं इससे भी प्रदूषण होता है दिल्ली में। ये आम आदमी पार्टी की रिसर्च है। इसलिए यदि मूली खाना अगर दिल्ली वाले छोड़ दें तो प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। तो सब आज का समाचार यह है कि पंजाब सरकार के 3-4 अधिकारी एक गांव में गए थे किसानों को यह समझाने कि भैया पराली मत जलाओ, तो किसानों ने, तथा कथित किसानों ने उनको घेर लिया। पर मैंने वो वीडियो देखा तो मैंने कहा, एक तो सबसे पहले तो किसानों को बदनाम मत कीजिए, वह किसानों के नाम पे अराजकता फैलाने वाले और जगह जगह सड़क जाम करने वाले और किसानों के नाम पे अपना धंधा, अपनी रोटी चलाने वाले किसान यूनियन के नेता लोग थे, किसान नहीं थे उनमें। जी हां, किसान यूनियन के नेताओं ने उन अधिकारियों को घेर लिया और जबरदस्ती उनको डरा के, धमका के, और वो अधिकारी बेचारा एसडीओ यंग लड़का था, बहुत देर तक मना कर रहा था कि अरे यार क्या कर रहे हो आप, जबरदस्ती आप सरकारी अधिकारियों के कामकाज में बाधा डाल रहे हो, ये आपके लिए सही नहीं है और ये समाज के लिए सही नहीं है, हम आपको ये समझाने आए हैं कि पराली मत जलाओ यार, पराली बहुत कीमती चीज है, उससे पर्यावरण को, नहीं जी नहीं, उन्होंने जबरदस्ती उनसे ही पराली में आग लगवाई और फिर अंत में उस बेचारा मरता क्या ना करता, उस आदमी ने खुद अपने हाथ से उसी पराली में आग लगाई जिस आग को जलाने के लिए वो मना करने गया था। और इसको पंजाब की किसान यूनियंस अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सेलिब्रेट कर रही हैं। अच्छा, ये सुन लीजिए। अब एक श्रीमान जी थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, ये वो श्रीमान जी वही थे कि ए मुल्क ता नर्क गया, ओ मुल्क स्वर्ग गया, कनेडा ता स्वर्ग है। मैं कहा क्या है, बहुत अच्छा, ओ थे एयर क्वालिटी किन्नी वधिया है, पता है कितना नीला आसमान दिखाई देता है, एयर क्वालिटी इज सो गुड। तो मैंने कहा यहां एयर क्वालिटी की ऐसी की तैसी किसने की है, तुमने तो की, पंजाब की एयर क्वालिटी अगर बहुत पुअर है, इंडिया की एयर क्वालिटी अगर बहुत पुअर है, तो करने वाले तो तुम्हारे ही जैसे लोग हैं जो कि पराली जला रहे हैं, जबकि तुमको मालूम है कि इस सीजन में हमेशा, क्योंकि कुछ प्राकृतिक ऐसी बन जाता है कि जो मिस्ट होता है, फॉग होता है, फॉग के अंदर पॉल्यूशन जो है, जो धुआं है वो ट्रैप हो जाता है, जो ऊपर एक लेयर हो जाती है आसमान में बादलों की और फॉग की, उसके अंदर वो पूरा का पूरा पॉल्यूशन ट्रैप हो जाता है, इस वजह से हवा जो है जहरीली हो जाती है, उसमें तुम पराली जला देते हो और उसी में अब दीपावली आ जाएगी। तो हमारे कुछ लकड़बग्घा संघ के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि दिवाली के पटाखों का कंट्रीब्यूशन नगण्य होता है दिल्ली के टोटल पॉल्यूशन में, इसलिए हम तो पटाखा जलाएंगे, हम पटाखा जलाए बिना दीपावली नहीं मनाएंगे। अरे भैया, माना कि
टोटल जो पॉल्यूशन है उसमें पटाखों का रोल बहुत कम है, परंतु उस दिन जिस रात आप दिवाली मना रहे हैं दिल्ली में, जो कि दिल्ली पहले ही सांस नहीं ले पा रही है, उसमें अगर आप पटाखों का भी ऐड कर देते हैं तो भैया आप ही को सांस लेनी है ना, दिल्ली वालों को ही लेनी है ना। हम तो सुल्तानपुर लोधी में बैठे हैं आराम से, पंजाब में बैठे हैं, जलंधर में बैठे हैं, या हम तो आगरा में बैठे हैं गांव में जमुना किनारे, हम तो महापुर में बैठे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जोगी जी बोले हम दिल्ली गए थे तो हमारी आंख जलने लगी, तो आंख दिल्ली वालों की जल रही है भैया। पटाखा छोड़ो, चाहे पराली जलाओ, चाहे वो इतने बड़े बड़े आपने डंप्स बना रखे हैं जो दिल्ली में कूड़े के, इट्स योर दिल्ली, ये आपकी जिंदगी है। पंजाब वालों आप कहते हो ना वो मुल्क था स्वर्ग है ये नर्क है, अरे भैया इसको नर्क आपने बनाया है। दिल्ली वालों आप एक दिन क्यों पटाखा छोड़ते हो, रोज छोड़ो ना यार, आपको जीना है, आपको सांस लेनी है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर दिल्ली, एंजॉय करो खूब। तो सर पंजाब की ये हालत है कि बहुत भयानक कोहरा मिस्ट है, एक अजीब सी एक सफेद, सुबह आप उठो तो एक अजीब सी एक सफेद चादर आपको अपने इर्द गिर्द दिखाई देती है और 12 एक बजे तक वो क्लियर नहीं होती, जो कि प्रदूषण होता है, जो कि वो मिस्ट और फॉग के बीच में ट्रैप्ड होता है। और लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, सेक रहे हैं, अन्नदाता है भैया, पराली ऐसे ही जलाएगा, भगवंत मान की सरकार है वो ऐसे ही ढुलमुल रवैया अपनाए रहेगी, उनकी हिम्मत नहीं है, उनके अंदर इतनी विल पावर नहीं है कि इस समस्या को हल कर सके। वो यही बोलेंगे कि दिल्ली में जो है वो गार्ड लोग लकड़ी जलाते हैं, इससे प्रदूषण होता है। प्रदूषण यदि खत्म करना है तो आपको प्रशासनिक इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। और ये जो किसान यूनियन के नाम पे जो एनार्किस्ट्स अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि खुद एसडीओ को पकड़ के उसी से आग लगवा रहे हैं। इसे दुराग्रह बोलते हैं और दुराग्रही आदमी का सिर्फ एक इलाज है, कानून। कानून का सख्ती से पालन कीजिए मान साहब, नहीं तो सचमुच जो लोग कह रहे हैं ना कि एयर क्वालिटी बहुत खराब है, ए मुल्क का नरक है, वो नरक बनाने में आपका भी बहुत बड़ा रोल है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।